हम तो स्थिति से ना वाकिफ हैं, तुम ही से जानने समझने। आप कहाँ कहाँ है निवासी पहले ये बताइए। हम भी तो बिहार ही के रहने वाले हैं। बिहार का है? बिहार का कहाँ से? कैमरा जो ऑफ होगा तो फिर बताएंगे तुम। नहीं नहीं नहीं, आप ऑन कैमरा में बताइए। कैमूर जिले के रहने वाले। अच्छा, आप किसका समर्थक है? हम किसी के समर्थक हैं। किसी के? एक मिनट एक मिनट, हम पत्रकार हैं, किसी के समर्थक? नहीं नहीं, पत्रकार भी किसी ना किसी का समर्थक। किसी का समर्थक नहीं होता, ठीक है, पत्रकार नहीं होगा। आप युवाओं से पूछिए उनके दिल पे क्या बीत रहा है। 2019 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया था 1,35,000, ठीक है, और अभी तक एक जाम नहीं हुआ है। आप इन युवाओं के दिल से पूछिए कि क्या बीत रहा है। नीतीश सरकार बोला जब हम जीतेंगे पहला कैबिनेट, एक मिनट एक मिनट, जब नीतीश कुमार बोले कि पहला कैबिनेट में जो है 19,00,000 नौकरी पे साइन होगा, 8,000। नीतीश कुमार कहाँ ये बात बोले? नीतीश कैबिनेट की बात, 19,00,000 नौकरी का बात बोले हैं? 19,00,000 रोजगार बोले, बोले है ना? रोजगार, कितना रोजगार मिला? ठीक है, कितना रोजगार मिला आप बताएंगे ना? पूरे बिहार में 13,00,000 जो है ना बीएड करके स्टूडेंट माथा मुड़वा के बैठा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? मत बोलिए। 8,400 वैकेंसी बिहार पुलिस का दिया था, फरवरी मार्च में एग्जाम दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्या 8 महीना मेरा वापस करेगा नीतीश सरकार? वापस करेगा नीतीश सरकार 8 महीना? मेरा 8 महीना क्या लौटा सकता है? मेरा जो समय बर्बाद हुआ, हम 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे ये बताइए हमको। पेपर में दिया था 80,000 सिपाही का पद अभी भी खाली है बिहार में, जरूरी है, क्या हुआ, कब पूरा होगा ये बताइए हमको। मतलब अभी सरसों का तेल 230 रुपया केजी है, वो कहाँ जाएगा? महिला क्या करेगी बताइए? गरीब आदमी 200 से 250 रुपया रोज का कमाता है, आज प्याज देखिए 60 रुपया केजी मिल रहा है, क्या किया जाएगा बताइए आप। तो हमको परिवर्तन चाहिए, सरकार कोई भी हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, लालू हो या नीतीश हो या मोदी हो, हमको किसी से कोई लेना देना है, हमको भैया बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना हम तेजस्वी के सपोर्ट में है, ना नीतीश के सपोर्ट में, हमको बिहार में बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप 15 साल से बिहार में, आप 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, आप पब्लिक को खुश नहीं कर पाए हैं, आप पब्लिक को खुश नहीं कर पाए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार आना चाहिए, अरे भैया 15 साल आपको पब्लिक टाइम दिया, आप क्या कर रहे हैं 15 साल से बताइए हमको। आपको 15 साल में हर एक युवा का दिल जीत लेना चाहिए था, हम लोग खुल के सपोर्ट करते, और तेजस्वी को आज वोट करने पे मजबूर है पब्लिक, क्योंकि एक युवा नौजवान है और देश के लिए कुछ करना चाहता है, राज्य के लिए कुछ करना चाहता है। आप 15 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए। सही बात। नई पीढ़ी, देखो बातचीत कर लो, जिंदाबाद जिंदाबाद बाद में कर लेना। ये गुस्सा है, ये अंदर का भड़ास निकल रहा है।